वेलकम टू साइंस या क्लासेस बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है और वह नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया के समय एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो उस प्रतिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु में कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि उनमें रीअरेंजमेंट होता है। सच कहिए तो इस अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं और पुराने बंधन टूटते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच या अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स का पुनर्संगठन होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होते हैं। ओल्ड बॉन्ड टूटता है और नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया कहीं भी होती है तो उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जिसे हम रासायनिक बंधन के नाम से जानते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु का पुनर्संगठन या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होगा, यानी वो आपस में बदलाव करके एक नए रासायनिक बंधन का निर्माण करते हैं। अगला टर्म है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। यानी बच्चों, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और भाग लेने के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिएक्टेंट या अभिकारक के नाम से जानते हैं। और दूसरा पॉइंट है प्रतिफल या उत्पाद, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं प्रतिफल कहलाते हैं। यानी प्रतिफल ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में दिखलाया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है, यानी मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है बच्चों? इसमें, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रतिफल बन रहा है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना
वो बिल्कुल नए गुणों के साथ बना है, इसलिए यह प्रतिफल कहलाता है। और अभिकारक के रूप में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसे हम लोग को याद करना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो बच्चों, अब मुझे लग रहा है कि आपको कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न अभिकारक और प्रतिफल में नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से आप सुन लें कि अभिकारक क्या है। तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। और वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं, उसे हम प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा दें। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कुल कितने होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो हैं, कुल मिलाकर 5 होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, उसका हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मार्कर, रासायनिक अभिक्रिया, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। इसका हम लोग एक चार्ट बना लें और इस चार्ट से हम लोग याद रखेंगे। तो पहला जो प्रकार है बच्चों, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसको आप लोग नोट करते जाइए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसे अंग्रेजी में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, यानी सच कहो तो इसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और वो क्या है? पहले वाले को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप चाहें तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। और बच्चों, इंग्लिश तो जानना ही चाहिए, किसी भी टर्म का इंग्लिश आजकल बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम में ये, चूँकि दोनों वर्सन जानना ज़रूरी है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला जो अभिक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया।
तीसरा को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है इसको हम लोग समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया को ही हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया यही है। इसके बाद फोर्थ जो है, फोर्थ को हम लोग कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप साथ साथ लिखते जाइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये चौथा हो गया। और पांचवा बच्चों क्या हो जाएगा, तो पांचवा हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं। पांचवा जो अभिक्रिया है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया के नाम से हम लोग इंग्लिश में इसको जानते हैं। तो ये पांचों टाइप आप लोग लिख लीजिए। पहला टाइप क्या है बच्चों? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा क्या है? दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है उभय विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपघटन में, अपघटन में कोई भी सब्सटेंस को तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। तो डिकम्पोज का जो तरीका है वो तीन विधि से होता है। एक तो ताप के द्वारा, ताप के द्वारा जब हम लोग किसी भी रासायनिक पदार्थ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हीट के द्वारा या ताप या ऊष्मा के द्वारा। ठीक है। दूसरा है विद्युत धारा के द्वारा, यानी जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके द्वारा कोई भी रासायनिक पदार्थ टूटता है, तो इस अपघटन अभिक्रिया में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा है सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश में कोई भी रासायनिक पदार्थ टूटता है, तो इन तीन विधियों द्वारा हम लोग अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जानेंगे कि आखिर कोई भी सब्सटेंस हीट के द्वारा कैसे टूटता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैसे टूटता है, और सूर्य के प्रकाश में कैसे टूटता है। ये अलग अलग रिएक्शन हैं, ये अलग अलग अभिक्रिया हैं। तो बच्चों अभी इस वीडियो में आप लोग इतना जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और बिल्कुल नए गुणों के साथ बनते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
और वह रासायनिक पदार्थ जो इस अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। प्रतिफल क्या है बच्चों? प्रतिफल वैसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती क्यों है? तो ये अभिक्रिया होती है किसी भी कंपाउंड के बीच, किसी भी परमाणु के बीच क्या होता है, केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नए रासायनिक बंधन का निर्माण होता है, इसलिए ये अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हम लोग जान लिए, परिभाषा जान गए। इसके बाद हम लोगों ने जान लिया कि अभिकारक और प्रतिफल क्या होते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया के टोटल टाइप्स कितने हैं। तो संयोजन या केमिकल संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, और ये तीन भागों में बांटा गया है। तीन चीज़ों से टूटता है, एक तो हीट के द्वारा, दूसरा विद्युत धारा के द्वारा, और तीसरा सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया में कोई न कोई किसी न किसी तत्व का क्या होगा, विस्थापन होगा, तो उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चौथा है उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नेक्स्ट है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आप ये टाइप लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।